नमस्कार साथियों, पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आज आपकी पार्टी को औपचारिक तौर पर इलेक्शन कमीशन द्वारा मान्यता मिल चुकी है और साथ की साथ आज से ही 60 दिनों का एक टारगेट तय कर दिया गया है आगामी लोकसभा के चुनाव का। छठे चरण में हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारे बीच में आम चुनाव होगा और उन परिस्थितियों पर एक एक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथियों, अगले 60 दिन हमें ऐसे मेहनत करनी होगी जैसे हम पिछले 600 दिनों से करते आ रहे हैं और उन परिस्थितियों को, कठिन से कठिन, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को समझते हुए दिन रात एक कर कर एक ही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है कि लोकसभा के अंदर पार्टी द्वारा निर्धारित जो उम्मीदवार होंगे उन उम्मीदवारों को हम एक ताकत के साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम करेंगे। मैं तो आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, सफ़र पार्लियामेंट का मेरे लिए बहुत रोमांचक रहा। 4 साल और 11 महीने पहले जब मैं पार्लियामेंट में चुन कर गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरे को सीखने को मिली, बहुत से अलग मैंने प्रयास करे और उन प्रयासों में निरंतर सफलता भी मिली। चाहे वो ट्रैक्टर को कमर्शियलाइजेशन की कैटेगरी से बाहर निकालने के लिए एक प्रदर्शन के स्वरूप पार्लियामेंट में ट्रैक्टर ले जाने की बात हो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होकर फसल बर्बादी पर मुआवजे की बात हो, स्पेशल गिरदावरी की बात हो, या फिर मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाने की बात हो। साथियों, इस सफ़र के अंदर बहुत सी नई चीज़ें सीखी कि डेमोक्रेसी किस तरीके से चलती है, कैसे पार्लियामेंट बदलाव केवल मात्र आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं आपकी स्टेट में और देश में ला सकती है। मगर इस सफ़र में एक चीज़ और दिखी कि क्षेत्रीय दलों को कहीं ना कहीं हम कमज़ोर होता देख रहे हैं। आज नेशनलिस्ट पार्टी दबाव बनाकर प्रदेशों की बातों को रोकना जानती है, निरंतर ये प्रयास करती है कि प्रदेश की आवाज़ को प्रदेश के सांसद, उनकी पार्टी के सांसद ना उठा पाए। 7 बीजेपी के सांसद मेरे साथ थे, 2 उनमें से केंद्र के मंत्री थे। पर साथियों, सफ़र ऐसा था कि हरियाणा प्रदेश की कोई भी चर्चा आती थी, कोई मुद्दा उठता था, तो मैंने निरंतर देखा कि वो साथी वहाँ पार्लियामेंट के पटल पर बैठे तो होते थे पर उनकी पार्टी उनको बोलने का मौका नहीं देती थी। इसलिए मैं आप सब से आग्रह करता हूँ कि हमारे पास एक अच्छा मजबूत 60 दिनों का समय है। संगठन अपनी ओर से मजबूत कैंडिडेट उतारेगा, मगर अब आपकी जिम्मेवारी है कि संगठन जिसको भी जिम्मेवारी देकर आपके बीच में भेजे। आपने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को अपनी प्रतिमूर्ति मानते हुए उस कैंडिडेट की मजबूती से मजबूत मदद कर उसको चुनाव जिताना है। और साथियों, मैं तो ये आग्रह करूँगा, कल हमारे लिए युवा प्रेरणा दिवस है, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस है। पूरे प्रदेश भर के अंदर हम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर मेडिकल कैंप्स, फल वितरण, बुजुर्गों को कपड़े देने, इस प्रकार से अलग अलग कार्यों को निरंतर करते आए हैं, उसी को हम आगे प्रेरणा मानते हुए लेकर चलेंगे। पर कल सुबह डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर ये संकल्प जरूर लेने का काम करें कि हमने मिलकर इस प्रदेश के अंदर मजबूत बदलाव कैसे आए उसकी भी एक नींव रखनी है। और अगले 60 दिन केवल मात्र जननायक जनता पार्टी का एक मजबूत सिपाही बनकर अपने संगठन को नई ताकत देने का काम करना है। मैं तो अनुरोध करता हूँ उन साथियों से जो आज कांग्रेस में है, बीजेपी में है, लोकदल में है, बसपा में है, लसपा में है, कि आप भी हमारे साथ जुड़े और हरियाणा प्रदेश के अंदर कैसे परिवर्तन आए, उस परिवर्तन की एक मजबूत नींव कैसे रखी जाए, उसके लिए जननायक जनता पार्टी का हिस्सा बनने का काम करें। चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे कि राजनीति के अंदर सरों की गिनती होती है,
और मेरा ये मानना है कि हम जब देखते हैं तो बूंद बूंद जोड़कर समुंदर बनता है। उसी प्रकार कर साथियों, हम जब बात करें तो एक 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 वोट जोड़कर चुनाव जीते जाते हैं। आज तो उस वोट जोड़ने का समय आ चुका, एक एक व्यक्ति को अपने साथ लाने का समय आ चुका। मैं बहुत से साथियों के मैसेज पढ़े जा रहा हूँ। मैं तो उन तमाम साथियों से निवेदन करूँगा कि संगठन का विस्तार चलता रहेगा, संगठन में जिम्मेवारियाँ मिलती रहेंगी, मगर अपना समय ना बर्बाद करें। संगठन की जिम्मेवारी केवल मात्र प्रतिनिधि देने की इसलिए होती है कि वो तमाम साथियों के ऊपर एक जिम्मेवारी वाला व्यक्ति बैठाए जो उन सबको एक कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह चलाए, मगर उस कोऑर्डिनेटेड टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमें मजबूत साथियों की भी ज़रूरत है। अगर सारे प्रधान बन जाएंगे तो फिर फील्ड पे काम करने वाला व्यक्ति कौन होगा? और मैं तो सबको बोलता हूँ, आज मेरे पास जननायक जनता पार्टी में कोई जिम्मेवारी नहीं, पर मैं एक सिपाही बनकर दिन रात एक कर काम कर रहा हूँ। और तमाम साथियों से निवेदन करता हूँ कि आप भी आज से इस मैदान में उतरकर लगन के साथ ये कार्य मजबूती से आगे लेकर चले कि हमें एक ही लक्ष्य लेकर चलना है कि हरियाणा प्रदेश की 10 सीटें हम मजबूती के साथ जीतने का काम करेंगे। मैं तो यही बोलने के लिए आपके साथ जुड़ा था। दोबारा जननायक जनता पार्टी ऑफिशियली इस देश के अंदर एक संगठन का स्वरूप आज लेकर हटी है, और उस संगठन की संगठन से जुड़े तमाम कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जहां चुनाव चिन्ह की बात आती है, तमाम साथियों से ये आग्रह भी करूंगा और उनको बताना भी चाहूंगा कि हमें आज इलेक्शन कमीशन ने एक सप्ताह का समय दिया है, एक सप्ताह से पहले पहले इलेक्शन कमीशन आम चुनाव के लिए हमें एक कॉमन सिंबल अलॉट कर देगा जो जननायक जनता पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स का आगामी लोकसभा चुनाव के अंदर कॉमन सिंबल होगा। और उसके बाद जब प्रदेश में आपके सांसद चुनकर जाएंगे, प्रदेश में आपके विधायक चुनकर जाएंगे, तो आपको परमानेंट सिंबल भी अलॉट हो जाएगा। इसलिए मेरी विनती है कि बारी बारी साथी इस चीज़ का सवाल ना उठाए कि सिंबल क्या है, सिंबल क्या है। सिंबल हमारा कपलेट नहीं है, कपलेट तो केवल मात्र दिग्विजय सिंह को जींद उपचुनाव के लिए मिला था, मगर आगे आम चुनाव के लिए आपको जो सिंबल मिलेगा वो एक सप्ताह में आ जाएगा। मैं तो तमाम साथियों से अनुरोध करता हूँ कि अब कमर कसकर इन 60 दिनों में 600 दिनों जितनी मेहनत कर अपने संगठन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का तमाम साथी काम करेंगे। आप सब जुड़े, पूर्ण आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।